नमस्ते, म रूपेश चौधरी र आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई हेराउने छु रेडियोग्राफी लाइसनिङ एक्जामको क्वेसन एन्सरहरू जुन एनएचपिसीद्वारा सोधिएको थियो 2081 साल जेठ 9 गते। सो भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो पार्ट बी रहेको छ। यदि तपाईँहरू पार्ट ए हेर्नुभएको छैन भने त गएर हेर्नुहोला, डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क दिने नै छु। सो भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, द बॉडी डिवाइडेड्स इंटू इंटेरियर एंड पोस्टेरियर हाफ्स इज, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिड कोरोनल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेसिक व्यू ऑफ मेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर ए, सिसी एन्ड एमएलओ, र सिसीको फुल फर्म हुन्छ क्रेनियो काउडेल, र त्यसै गरी एमएलओको फुल फर्म हुन्छ मिडियो ल्याट्रल अब्लिक। क्वेसन नम्बर 3, द आउटर कभरिङ लेयर अफ टेस्टिस इज नोन एज, अप्सन नम्बर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर बी, टुनिका भेजिनालिस। क्वेसन नम्बर 4, एनी एम्बुलेटरी पेसेन्ट इज वान विच इज, अप्सन नम्बर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर सी, एबल टु वाल। क्वेसन नम्बर 5, कोड अफ एथिक्स फर डार्क रुम एसिस्टेन्ट हेज बिन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉट ड्राफ्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच हार्मोन्स इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द किडनीज ट्यूबल, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर बी, प्याराथाइरोइड्स हर्मोन। क्वेसन नम्बर 7, द बडी डिभाइडेड्स इन्टु राइट एन्ड लेफ्ट हाफ्स इज, अप्सन नम्बर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर बी, मिड सजाइटल प्लेन। क्वेसन नम्बर 8, बेस अफ रेडियोग्राफी फिल्म इज मेड अफ अफ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोस एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेबोग्राफी स्टडी इज रिफर्स एज, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भेन्स। क्वेश्चन नंबर 10, यूरिन फॉर्मेशन इन विच मेथोड, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mm of Hg। सो क्वेश्चन नंबर 12, EAM causes is, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर ए, ब्लड इन एयर। क्वेसन नम्बर 13, इन चिल्ड्रेन सोल्डर एपी प्रोजेक्सन इज डन बाई विच एङ्गल इज, अप्सन नम्बर ए, बी, सी, डी।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैराकोइड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14 फिफ्थ मेटाटार्सल फ्रैक्चर बोन इन विच व्यू ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बॉक्सर्स फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 इंडिकेशन ऑफ स्टोमक विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वोमिटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 द ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड लॉग ऑफ एक्सपोजर इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव माथि को सब ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनट। सो क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेरियम एंड आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन नेशनल हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11। क्वेश्चन नंबर 19 लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 20 विच आर्टेरी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्राचियल आर्टेरीज। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर मेडिको लीगल रीजन रेडियोग्राफिक इमेज आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी द पेशेंट डेट ऑफ बर्थ। सो क्वेश्चन नंबर 22 द बेसिक रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ चेस्ट इज। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पी ए। सो क्वेश्चन नंबर 23 देयर आर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन आवर बॉडी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11। क्वेश्चन नंबर 24 आई व्यू इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेन। क्वेश्चन नंबर 25 एच ओ सी एम आर द एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरोग्राफिन कोनरे। क्वेश्चन नंबर 26 हाउ मच हैव फिल्म डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.5 to 2.5 mm। क्वेश्चन नंबर 27 वेयर सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी इज डन इन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट।
क्वेश्चन नम्बर 28, रेडियोग्राफी साइज अफ फोकल स्पॉट इज, ऑप्शन नम्बर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नम्बर ए 0.22 mm। क्वेश्चन नम्बर 29, व्हेन इंक्रीज द केबीपी ऑफ 80% बाय टू ऑफ द फॉलोइंग बिलो, सो ऑप्शन नम्बर ए बी सी डी। यो जम्मा चारवटा अप्सन रहेको छ, कुनै पनि एन्सर हुन सक्छ है त। सो मैले कन्फ्युज भयो, तपाईँहरू आफै हेरेर गर्नु होला है त। क्वेश्चन नम्बर 30, थम्ब प्रोजेक्सन 50% इन्क्रिज केबिपी विच सुड बी, अप्सन नम्बर ए बी सी डी। करेक्ट एन्सर थाहा भएन मलाई होइन, त्यही भएर मजाले हेरेर तपाईँहरू आफै गर्नु होला है त। क्वेसन नम्बर 31, डार्क रुम अफ लिड थिकनेस इज, अप्सन नम्बर ए बी सी डी। करेक्ट एन्सर यसको थाहा छैन मलाई, सो आफैले हेरेर बुझेर गर्नु होला है त। क्वेसन नम्बर 32, वाइ युज अक्सिजन इन वार्ड रेडियोग्राफी, क्वेसन नम्बर 32, वाई अक्सिजन युज इन द एक्सरे डिपार्टमेन्ट। सो यो दुइटै क्वेसन एउटै रहेको छ, सो तपाईँहरू बुझेर गर्नु होला किनकि यो एनएचपिसी इक्जाममा सोधेको थियो है त। सो क्वेसन नम्बर 33, विच भ्यू इज डन ड्युरिङ द ह्युमरल हेड फ्र्याक्चर इज, सो कुन भ्यू गरिन्छ ह्युमरल हेड फ्र्याक्चर भएपछि। सो क्वेसन नम्बर 34, विच प्रोजेक्सन अफ द लम्बर स्पाइन सो लाइक, र मैले यो यसको यो क्वेसन जुन 34 रहेको छ एउटा अप्सन मात्रै याद रहेको छ मलाई, त्यो अप्सन रहेको छ स्कुटी डग, र करेक्ट एन्सर मलाई थाहा भएन है त। सो विच प्रोजेक्सन अफ द लम्बर स्पाइन सो लाइक, है त, लम्बर स्पाइन गर्दाखेरि कुन प्रोजेक्सनमा गरिन्छ र कस्तो हेरिन्छ। सो क्वेसन नम्बर 36, विच डिभाइस किप म्याक्सिमम अक्सिजन इन द बडी, सो यस्तो कुन डिभाइस हो जसले हाम्रो बडीमा एकदम धेरै मात्रामा अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ। मलाई त भेन्टिलेटर लागिरहेको छ अन्य कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होला है त। सो करेक्ट एन्सर थाहा भएन, मजाले गर्नु होला हेरेर है त। र यो लास्ट क्वेसन रहेको छ मैले एनएचपिसी इक्जाम रिकभर गरिएको है त। सो वाट इज द केस अफ एक्युट एब्डोमिन, जम्मा मैले 34 क्वेसन पार्ट टूमा भनेको छु र पार्ट वानमा 50, जम्मा 84 रिकभर गर्न सकेको छु र बाँकी 16 क्वेसन मैले रिकभर गर्न सकेन। सो भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला, र भिडियो मन परेको छ भने त लाइक गरिदिनुहोला। त्यसै गरी मनमा कुनै प्रश्नहरू रहेको छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखेर भन्नुहोला। धन्यवाद।